SKC प्रणाम मिशन बिगिन अगेन वीडियो नंबर 6 ये नाम हम इस वीडियो को दे रहे हैं मिशन बिगिन अगेन वीडियो नंबर 6 वीडियो नंबर 6 क्यों क्योंकि इसके पहले मार्च अप्रैल में ढाई महीने में हमने तीन वीडियो आपको लेके आए थे वी हैव रिलीज थ्री वीडियोस तीनों का टॉपिक था लॉकडाउन पर संबोधन वीडियो नंबर 1 9 अप्रैल को आया था लॉकडाउन पर संबोधन वीडियो नंबर 2 19 अप्रैल को आया था लॉकडाउन पर संबोधन वीडियो नंबर 3 28 अप्रैल को आया था टोटल डेढ़ घंटे का वीडियो था आई एम श्योर आपको आपके बच्चे के लिए डेढ़ घंटे का टाइम मिला होगा लॉकडाउन के टाइम पर मालूम पड़े अपडेटेड रहने के लिए क्या हो रहा है उसके बाद 1 जून को हमने 65 मिनट का वीडियो रिलीज किया 65 मिनट जिसमें लिखा था अनलॉक के दौरान एसकेसी का संबोधन वीडियो नंबर 4 ये 365 मिनट वीडियो में सारा इंस्ट्रक्शन वे फॉरवर्ड दिया गया था आपको आपके बच्चे के लिए आपके लाइफ में 65 मिनट निकालना ही होता था और पूरा वीडियो देखना है जिन्होंने देखा है कोई कंफ्यूजन नहीं था और जिन्होंने अब तक नहीं देखा है उनके लाइफ में कंफ्यूजन है उसके बाद हमने 27 जुलाई को एक रिविजन वीडियो निकाला जहां पर हमने सारा चीज आपको डिटेल में बताया ये 8 मिनट 17 सेकंड का वीडियो 8 मिनट मात्र राइट तो टोटल मिला के 5 वीडियो हमने रिलीज किया था और अभी ये छठा वीडियो है विच सेज मिशन बिगिन अगेन वीडियो नंबर 6 इस वीडियो में टोटल 4 पॉइंट डिस्कस किया जाएगा और 4 पॉइंट कौन से हैं पॉइंट नंबर 1 सर बहुत सारा कंफ्यूजन है हमें पता नहीं क्या हो रहा है आपने हमें सिलेबस तो भेज दिया है जहां पर लिखा था एग्जाम 23 नवंबर से अभी तक कोई टाइम टेबल नहीं आया है और मेरा नेबर कुछ और बता रहा है टीवी में कुछ और खबर दे रहे हैं पेपर में ऐसा आ रहा है कि महाराष्ट्र में स्कूल खुलेगा कहीं पर बोल रहे हैं मुंबई में बोला गया है बंद है तो बहुत सारा कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में सारा कंफ्यूजन क्लियर किया जाएगा कि एग्जाम कब है और क्या है और हमने अभी तक टाइम टेबल रिलीज क्यों नहीं किया है क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा पॉइंट नंबर 2 में एग्जाम कैसे किया जाएगा कौन से क्लास को ऑफलाइन है किसको ऑनलाइन है और जो गांव में है उनके लिए कैसा क्या क्या रिलीफ है ये भी पॉइंट नंबर 2 में बोला जाएगा पॉइंट नंबर 3 में जो बच्चे कैंपस में आएंगे उनको क्या क्या खातरी है कर लेना है ये पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस होगा और पॉइंट नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्यों ये वीडियोस देखने हैं देखना चाहिए पॉइंट नंबर 4 में आखिर में डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट ऐसा है कि अर्लियर इन द मंथ इन नवंबर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन वर्षा गायकवाड़ मैडम ने हमें सूचित किया वाया टीवी न्यूज वाया सर्कुलर जीआर कि 23 नवंबर से हमको स्कूल खोलना है फॉर 9 to 12 स्टैंडर्ड साथ साथ में हमें जीआर आया कि क्या क्या तैयारी करना है हमें स्कूल खोलने के लिए क्या एसओपी क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है क्या प्रोसेस फॉलो करना है उसके अंदर यह था कि सारे टीचर्स का कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा पूरे स्कूल को सैनिटाइज करना होगा और स्कूल खुलने का ऐसे बच्चों को इस हिसाब से बुलाना है वो सारे चीज का हम तैयारी कर रहे थे मीनवाइल दिवाली वेकेशन उन्होंने अनाउंस किया और हम वेट कर रहे थे कि 19 तारीख को हमने टाइम टेबल बना लिया था 23 के एग्जाम के लिए हम 20 तारीख को 19 तक हमारा स्कूल बंद था तो हम 20 तारीख को टाइम टेबल रिलीज करने वाले थे उतने में 20 तारीख को सवेरे 20th मॉर्निंग को मीटिंग चल रहा था हमारा विद एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑल द स्कूल हेड्स 11 बजे का मीटिंग में सारी तैयारी की बात हो रही थी लेकिन लंच टाइम में टीवी में न्यूज आ गया कि मुंबई में कलेक्टर ने बोला है कि 31st दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे कॉलेज नहीं खुलेंगे अभी ये मैसेज में कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ गया तो वी वर वेटिंग शाम तक मैसेज ये आया कि मुंबई में नहीं खुलेगा लेकिन महाराष्ट्र के बाकी डिस्ट्रिक्ट में खुल सकता है लेकिन तब तक थाना कलेक्टर ने पिस्टन से थाना में भी स्कूल नहीं खुलेगा यानी कि मुंबई के साथ में यानी कि मुंबई मतलब दहिसर तक साथ में कल्याण डोंबिवली थाना उल्लासनगर अंबरनाथ साथ में न्यू बॉम्बे कहीं भी स्कूल नहीं खुलेगा महाराष्ट्र के बाकी डिस्ट्रिक्ट में अगर लोकल कलेक्टर अलाउ करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो आप खोल सकते हैं तो ये कल शाम की बात है 20 तारीख कल सवेरे मुंबई ने ना बोला शाम को थाना ने नहीं बोला लेकिन आज सवेरे ये मैसेज हमको आया ये आया सर्व सब स्कूल को सूचित करने कि 23-11 रोजी 9वीं ते 12वीं शाला सुरू करण्याची पूर्व तयारी करण्यास यावी यानी कि स्कूल खोलने की तयारी करने का हो मान्य जिल्हाधिकारी मतलब कलेक्टर यांनी या संदर्भात सोमवारी बैठक आयोजित केली आहे 23 को स्कूल खोलना है लेकिन 23 को बैठक बुलाया गया है
आहे, त्यानंतर शाला सुरू करण्या संदर्भात सविचार सविस्तर सूचना दिल्या जातील। मतलब मंडे को मीटिंग है, उसके बाद सूचना बोला जाएगा अबाउट कंडक्टिंग। साथ साथ में आज सुबह न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट आया कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट ये बता रहा था, अगर आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट हमको बताएंगे तो आज क्या आया था न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये था कि मुंबई ठाण्यासह कल्याण डोंबिवली उल्हासनगर अंबरनाथ बॉम्बे नवी मुंबई शाला जरी 31 डिसेंबर पर्यंत बंद असल्या तरी पालघर जिल्ह्यामधील शाला मात्र ठरलेल्या प्रमाणे आदेशानुसार 23 नोव्हेंबर पासून सुरू होईल असे जिल्हाधिकारी डॉक्टर माणिक गुसल यांनी कळविले आहे। मतलब जिल्हाधिकारी ने बोला है कि बॉम्बे मुंबई में या थाने में भले ही बंद है, थाना में ठरलेल्या के हिसाब से हम स्कूल खोलेंगे। साथ साथ में वो सर्कुलर आया कि हम मंडे को मीटिंग कंडक्ट करेंगे और उस मीटिंग में हम आपको आदेश देंगे कैसे खोलना है, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। लेकिन अभी दोपहर में और एक मैसेज हमको आया, दोपहर में अर्जेंट मैसेज ये आया, सर्व शाळांना सूचित करण्यात येते कि या जिल्हाधिकारी यांचे सूचनेनुसार पुढील मान्य जिल्हाधिकारी यांच्या सूचनेनुसार पुढील आदेश होईपर्यंत शिक्षकांनी टेस्ट करून घेऊ नये, जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आता है हम टीचर्स का टेस्टिंग जो आरटीपीसीआर नहीं करना चाहिए होईपर्यंत शिक्षकांना टेस्ट करून घेऊ नये, या बाबत सर्व शिक्षकांना अवगत करण्यात यावे। प्लीज टीचर्स को बोलो कि अपना आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराओ। तो अभी यह है, आज मैं सारांश में बताऊंगा। पहले बोला 23 तारीख खोलना है, कल सवेरे मुंबई ने बोला कि 31 दिसंबर तक नहीं खोलना है, कल शाम को थाना जिलाधिकारी ने बोला कि थाना नहीं खुलेगा, आज सवेरे पालघर जिलाधिकारी ने बोला हम खोलेंगे लेकिन मंडे को मीटिंग कंडक्ट करेंगे, आज दोपहर को हमें बताया टीचर का टेस्ट मत करो। अभी हम वेट कर रहे हैं, जब तक उनका इंस्ट्रक्शन नहीं आए हम आपको टाइम टेबल दे नहीं सकते। जिस टाइम पर उनका इंस्ट्रक्शन आएगा उसी वक्त हम टाइम टेबल जारी करेंगे, लेकिन डोंट वरी, टाइम टेबल और फर्स्ट एग्जाम के बीच में कम से कम 3 दिन का गैप होगा। मैंने सिलेबस तो दिया, तैयारी की है, फिर भी जिस टाइम पर टाइम टेबल देंगे एग्जाम 3 दिन के बाद ही कंडक्ट करेंगे। मतलब अगर मैं 23 तारीख को टाइम टेबल दिया तो पहला पेपर 26 को होगा, उसके पहले नहीं होगा, राइट? तो ये कंफ्यूजन अभी है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, इसलिए ऑनलाइन क्लास चल रहा है, चलते रहें दो, क्या प्रॉब्लम है, ऑनलाइन चल रहा है। बड़े बच्चों के लिए ऑफलाइन कब कंडक्ट करना है ये हमको जब जिलाधिकारी कलेक्टर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैसेज आएगा उसी वक्त हम आपको इंटीमेट करेंगे। कैसे इंटीमेट करेंगे? दोपहर में असेंबली रोज होता है, बच्चों को बताएंगे, सेकेंड व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे, टाइम टेबल वहां डालेंगे, लेकिन जब तक कलेक्टर से इंफॉर्मेशन नहीं आता है हम स्कूल खोल नहीं पाएंगे। एट प्रेजेंट वी आर अवेटिंग इंस्ट्रक्शंस। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। नाउ पॉइंट नंबर 2 है, एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कब कंडक्ट किया जाएगा, कब कंडक्ट किया जाएगा, आफ्टर इंस्ट्रक्शंस। कैसे कंडक्ट किया जाएगा? 9 to 12 स्टैंडर्ड को ऑफलाइन मोड, जब भी बोलेंगे, सपोज 23 तारीख को हमें बताया गया स्कूल खोल दो, इमीडिएटली आपको टाइम टेबल जारी करेंगे और 3 दिन के बाद हम यहां पर रिटर्न पेपर कंडक्ट करेंगे, बच्चों को टाइम टेबल देंगे, कब आना है, कैसे आना है, क्या खातरी करके आना है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन, सारा चीज बताया जाएगा। आपके बच्चों को यह एग्जाम देना है, साथ साथ में नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड का एग्जाम भी चलता रहेगा, वो आपको ऑनलाइन मोड में चलेगा, उसका सारा इंस्ट्रक्शन आपको अलग से दिया जाएगा। जब तक 9 to 12 का एग्जाम नहीं डिक्लेयर होता है हम नर्सरी टू 8th का एग्जाम भी नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, एक साथ ही कंडक्ट करेंगे, क्योंकि टीचर्स एक साथ बिजी होंगे एग्जाम टाइम एग्जाम ड्यूटी पर, टीचर एट सेम टाइम लेक्चर प्लस नहीं हो सकते, वही टीचर लेक्चर भी ले रहे हैं और टीचर्स एग्जाम यहां कंडक्ट करेंगे और सेम टाइम ऑनलाइन नहीं हो सकते, इसलिए भी ऑनलाइन सबका चल रहा है। जिस टाइम एग्जाम आएगा तो सबका एग्जाम टाइम चलेगा, नर्सरी टू 8th के बच्चे घर बैठे एग्जाम देंगे, कैसे देंगे सारा डिटेल अलग वीडियो में आपको बताया जाएगा, और जो मीटिंग में ऑलरेडी आ चुके हैं उनको ऑलरेडी पता है एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जा रहा है। अभी इस पॉइंट में सर मैं गांव में हूं तो क्या करना है, हम कोशिश कर रहे हैं आप गांव में हो तो आपको पेपर एक ऐसा तरीका बनाया जाए जो आपका बच्चा वहीं से एग्जाम दे पाए, ऐसा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना हो तो दुख होता है, फिर आपको फर्स्ट एग्जाम एब्सेंट मार्क किया जाएगा और आपका एनुअल रिजल्ट में फर्स्ट एग्जाम एब्सेंट आएगा, बाकी दो एग्जाम का जो मार्क्स है उस पर डिवाइड बाय 2 होगा, इन बच्चों का डिवाइड बाय 3 है, यानी 300 में से मान लो 240 मिला है तो डिवाइड बाय 3 होता है, तो आपको 200 में से कितना मिला उसको डिवाइड बाय 2 होगा,
अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे तो आप गांव में हैं तो कोई प्रोसेस फॉलो करके आपको डिवाइड बाय टू करके आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। बट कोशिश हमारी चालू है कि आप गांव में हो तो भी आप एग्जाम दे पाओ ऑनलाइन मोड में। उसके अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है कि पेपर राइट टाइम पर रिलीज करना पड़ेगा। तो पेपर कैसे रिलीज करना है हम आपको अलग वीडियो बता रहे हैं। तो आप व्हाट्सएप में बने रहिएगा, फोन आप करेंगे यहाँ पर, हर एक पेरेंट को फोन पर जवाब देना डिफिकल्ट है, इसलिए इस वीडियो के थ्रू हम बता रहे हैं। आप वीडियो देखिए, व्हाट्सएप मैसेज देखिए, सब चीज मालूम पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, जब बच्चे कैंपस में आएंगे 9 to 12 स्टैंडर्ड या जब भी छोटे बच्चे हैं क्या करना है, 3 पॉइंट। 1, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, पेरेंट ने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एग्जीक्यूट करना है। यानी कि बच्चे को हमने बोला खाना नहीं भिजवाना है तो मत भिजवाओ, पानी भिजवाना है तो भिजवाओ, कितने बुक भिजवाना उतने भिजवाओ। कैंपस में खाना नहीं आएगा, बच्चा यहाँ नहीं खाएगा। पानी का बॉटल आपके घर से आएगा, यहां पानी हम प्रोविजन नहीं करेंगे। आपको मास्क पहना के भेजना है और फुल मास्क पहनना है, पूरा मास्क, प्रॉपर कंडीशन में मास्क पहना के भेजवाना है। ये सारे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पेरेंट का है। कोई बस सर्विस नहीं होगा, आपको ही बच्चे को अपने आप से आना पड़ेगा। आते वक्त बच्चे को साथ में चल के नहीं आना, डिस्टेंस मेंटेन करना है, यह सोशलाइजिंग का टाइम नहीं है। यहां आने के बाद हम बच्चों को बता रहे हैं व्हाट इज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, CAB, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रिक्टली हम इंस्टॉल करेंगे। कैंपस के अंदर एक बच्चा दूसरे बच्चे को पेन देवे या पेपर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बच्चा दूसरे बच्चे के पास जगह बात करे, ऐसा नहीं होगा। जो जगह दिया गया उसका जगह उसको वही बैठना है। दूसरे बच्चे जो डिस्टेंस पर 1.5 मीटर दूरी पर हम एक बेंच छोड़ के बिठाएंगे, हमने पूरा तैयारी किया है, उसके पास जगह बात करना अलाउड नहीं होगा। हम बच्चों को पार्ट बाय पार्ट, क्लास बाय क्लास छोड़ेंगे। छोड़ते ही वो कैंपस के बाद तुरंत आप कलेक्ट करो, भीड़ नहीं होगा और आप लेके जाएंगे, बच्चा खुद ही चल के जाएगा। बाहर जाके आप इंस्ट्रक्शन दो बच्चे को कि गर्दी नहीं होनी चाहिए। और उसी में थर्ड पॉइंट है सोशल वैक्सीन, आपका बच्चे को सोशल वैक्सीन, ये वैक्सीनेशन तो आगे आएगा, अप्रैल में आएगा, मई में, जून में, कब आएगा नहीं मालूम, लेकिन अभी सोशल वैक्सीन ये है कि मास्क पहनना है, दूसरे से दूरी मेंटेन करना है, कुछ हाथ लगा दिया तो मुंह को हाथ लगाना नहीं है, आप घड़ी घड़ी हाथ धोना है, और किधर भी जाकर टॉयलेट जाकर किसी के साथ जाना नहीं है। ये सोशल वैक्सीन आपको बच्चे को सिखा के भेजना होगा। थर्ड नंबर पॉइंट ये खत्म होता है। फोर्थ पॉइंट, ये वीडियो देखना जरूरी क्यों है, प्लीज सोच, क्लर्क नॉर्मली एक होता है, अब सारे टीचर्स इन्वॉल्व हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं, जो टीचिंग कर रहे हैं, और जैसे जैसे पेरेंट्स आ रहे हैं बारी बारी प्रोसेस भी चालू है। हम बहुत सारे मीटिंग्स भी कंडक्ट करते हैं, उनका यहाँ पर टाइम लिमिटेड है। अभी उसी टाइम पर वही टीचर जो ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं फोन पर जवाब दे तो हो नहीं सकता, इसलिए हम इकट्ठे आपको ऐसा मैसेज दे रहे हैं। अगर आपने इससे पहले रिलीज किया 5 वीडियो देखा है तो आपके दिमाग में कोई सवाल ही नहीं आएगा, हर चीज क्लियरिटी है उसमें, 5 वीडियो देखा है। और कुल मिला के 5 वीडियो देखने के लिए आप कितना लगेगा लाइफ का, आपका लाइफ का 2.5 घंटा आप डालोगे, 2.5 घंटा, जस्ट 2.5 घंटा, मार्च से लेकर अभी तक 2.5 घंटा आपके पास नहीं आपके बच्चे के लिए। और फिर आपको सिर्फ फोन उठा के हर चीज पूछना है जो वीडियो में बोला गया है, हम आंसर नहीं देंगे, हम बोलेंगे वीडियो देखो। अभी भी जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे 4 पॉइंट आपको डिस्कस किया है, ये होगा फिर भी आपको सेम सवाल जो मैंने उसी पर आप मुझे मेरे टीचर को पूछेंगे कब स्कूल खुलने वाला है, टाइम टेबल कब आने वाला है, हम आपको आंसर कैसे दोबारा करेंगे इसका, हम बोलेंगे वीडियो देखो। सो दिस इज द वीडियो, ऐसे ही वीडियो जब रिलीज करेंगे दोबारा अपडेट में रहिएगा और व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते रहिएगा, राइट। सो लेट मी रिवाइज क्विकली। पॉइंट नंबर 1, टाइम टेबल तब देंगे जब हमें आदेश आएगा फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट। एग्जाम टाइम टेबल के बाद, एग्जाम 3 दिन के गैप के बाद होगा। 9 to 12 का एग्जाम यहां होगा, 9 to 8 का एग्जाम घर पे बैठ के देना है ऑनलाइन मोड में। 9 to 12 ऑफलाइन मोड होगा, उसके लिए आपकी परवानगी पत्र लगेगा, आपका लेटर लगेगा, यू आर अलाउइंग योर चाइल्ड टू कम एंड गिव द एग्जाम। 9 to 8 घर से बैठना है, सर मैं गांव में हूं, जैसा ऑनलाइन एग्जाम गांव, आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं वैसा आप एग्जाम ऑनलाइन गांव घर से देंगे। अगर 9 to 12 शरण में है तो आपको घर गांव से देना है कि नहीं, ये हम डिसाइड, कैसा पॉसिबल है हम वर्क कर रहे हैं। जब भी आप यहां आने हैं आपको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पेरेंट को एग्जीक्यूट करना है, रिस्पॉन्सिबल गेट के अंदर पेरेंट को अलाउड नहीं होगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर टीचर और बच्चों को करना होगा, एंड सोशल वैक्सीन हमको साथ में लेके चलना है। लास्ट पॉइंट, वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बच्चे के बारे में है, आप कंफ्यूजन में रहने सकते हैं। आई होप मैंने आपका इमीडिएट सब पॉइंट आर कंसर्न इमीडिएटली, ऑल द पॉइंट्स आर एड्रेस्ड। फिर मिलेंगे दोबारा जब नए पॉइंट्स हैं हमारे पास। SKC प्रणाम।
सुरक्षित रहिएगा। कोविड फिर से बढ़ रहा है नॉर्थ इंडिया में, सुरक्षित रहिएगा और लेट्स एसके सिविल कंटिन्यू सर्विसिंग यू। प्रणाम।